राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, आज भरतपुर और नागौर में भरेंगे हुंकार। आज राजस्थान दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जोधपुर और जैसलमेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर तोड़ी मर्यादा, पीएम मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान, झूठ बोलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने डीप फेक पर जताई चिंता, समाज के लिए बताया खतरनाक, बोले फैल सकता है अराजकता और अशांति। पीएम मोदी ने एआई शिक्षा पर दिया जोर, कहा डीप फेक संकट को देखते हुए एआई के उपयोग को समझना जरूरी। डीप फेक पर पीएम मोदी के बयान पर बोले जयराम रमेश, सोशल मीडिया पर लिखा 2014 से इस मुद्दे पर आगाह कर रही है कांग्रेस। आज तेलंगाना के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में करेंगे चुनावी रैली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र, सुबह 10 बजे अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। अजमेर में गृहमंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, विजयनगर में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि लाल रंग को देखकर कांग्रेस बौखलाती है। राजस्थान के अजमेर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिखी भारी भीड़। गहलोत सरकार पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, 1 करोड़ युवाओं का जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम बने की अटकलों को किया खारिज, बोले मैं सीएम पद की रेस में नहीं। चौमू में विजय संकल्प सभा में कांग्रेस पर बरसे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, का कांग्रेस क्या गारंटी देगी, राहुल की कोई गारंटी नहीं है। तेलंगाना के वारंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा, कहा बीजेपी की मदद करती है एआईएमआईएम। ओवैसी ने राहुल पर निशाने साधे, कहा अमेठी में चुनाव हारने के कितने पैसे दिए गए बताएं। राजस्थान के रण में उत्तरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की जीत के लिए किया हवन, सांगवाड़ा के मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पतंज, बोले चुनाव हार रहे हैं तो बजरंग बली याद आ रहे हैं। बीजेपी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हमला, आपके खिलाफ सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, कहा एक दिन हम इस देश पर राज करेंगे। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने बीजेपी पर निशाने साधे हैं, बोले कांग्रेस ने मुस्लिम को स्पीकर बनाया जिन्हें बीजेपी भी नमस्कार करती है। उत्तरकाशी में हादसे के बाद सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी, ऑगर मशीन से अब तक 25 मीटर ड्रिलिंग की गई। उत्तरकाशी टनल हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले घटनास्थल पर तेजी के साथ काम जारी, पीएम मोदी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश लगातार जारी, युद्ध स्तर पर जारी है राहत बचाव का काम, घटनास्थल पर पहुंचे मजदूरों के परिजन। टनल साइट पर भेजे गए अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी, पीड़ित परिजनों के संपर्क में सभी अधिकारी। दिल्ली में खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता, औसत AQI 400 के आसपास पहुंचा, गुरुग्राम में भी AQI 430 तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर के 5 आतंकियों को ढेर किया। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से मिला हथियारों का जखीरा, AK-47 ग्रेनेड पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर हुआ। 19 नवंबर को खेला जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची अहमदाबाद, भारतीय टीम ने पिच का जायजा लिया। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खिलाड़ियों को कर सकते हैं सम्मानित। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया APM एंथनी एल्बनीज को मैच देखने का न्योता, एल्बनीज की जगह डिप्टी PM भारत आएंगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस से पहले होगा एयर शो, 10 मिनट तक करतब दिखाएगी सूर्यकरण की टीम। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में इनिंग्स ब्रेक के दौरान होगा भव्य समारोह, गीतकार प्रीतम की होगी स्पेशल परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में इंग्लैंड से 2 अंपायर, रिचर्ड एलिंगवर्थ और रिचर्ड कैटलबोरो का नाम शामिल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक विजेता कप्तानों को मिलेगा सम्मान, सभी कप्तानों को एक खास ब्लेजर गिफ्ट करेगी ICC।
टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग पर भड़की है ममता बनर्जी। बीजेपी का नाम नहीं लिया, बोले खिलाड़ियों पर गर्व है लेकिन भगवा रंग उनका एजेंडा है। वर्ल्ड कप फाइनल के दिन होगा ड्रोन शो, लेजर शो और आतिशबाजी का भी पूरा का पूरा आयोजन। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले फैंस का जोश बहुत आई, बोले कंगारुओं से 2003 का बदला लेके टीम इंडिया। मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा में स्टेडियम बनाने की हुई घोषणा, अधिकारियों ने गांव का मुआयना किया। सैंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, रेत से बनाई 56 फीट की वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए हुआ मतदान, मध्य प्रदेश में 76.22% तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 68% हुई वोटिंग। एमपी के ग्वालियर में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीन, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, एक जवान हुआ शहीद। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले लगातार जारी, आईडीएफ ने बिल्डिंग को किया नेस्तनाबूत, इमारत में हथियार बनाने का काम चल रहा था। इजराइल के सैनिकों का हमास पर आरोप सीधा है, अस्पताल में हमास से छिपाए अपने हथियार, आईडीएफ ने जारी किया इसका वीडियो। WHO ने गाजा में बीमारी फैलाने को लेकर चिंता जताई है, बमबारी और जमीनी हमले ने स्वास्थ्य प्रणाली को किया बाधित। इजराइल और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच में बैठक, हमास द्वारा बनाए गए बंधकों और मानवीय मुद्दों पर हुई है चर्चा। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों का खतरा लगातार जारी, खार्कीव में बंकर के अंदर कराया गया स्कूलों का निर्माण। बोलीविया के जंगलों में आग का तांडव बरकरार, फायर फाइटर्स कर रहे आग बुझाने की कोशिश, स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल। साउथ फ्लोरिडा में तूफानी बारिश के बाद लोगों के घरों में भरा पानी, सड़कों पर आया पानी का सैलाब, जीवन प्रभावित। Z News.